विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर मंत्री श्रवण कुमार का बयान दिया है कि विपक्ष को संसदीय व्यवस्था में विश्वास नहीं, ये काला झंडा लहराते हैं, सदन में मेज पर चढ़ जाते हैं और कुर्सी तोड़ देते हैं, जिनकी मौत हुई दुखद घटना है, लेकिन मौत क्यों हुई यह जांच का विषय है, लेकिन वहां की घटना नहीं, घटना की जगह दूसरी जगह बताई गई है। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ कानून को अगर श्रवण कुमार तोड़ेंगे तो उन पर भी कार्यवाही होगी। ये तो दुखद घटना है, जिनकी मौत हुई है ये दुखद घटना है। ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति के लिए उनकी प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है या इसकी जांच हो रही है। जब जांच होगी तब पता चल जाएगा, रिपोर्ट आएगी तब पता चल जाएगा कि किस कारण से उनकी मौत हुई है। लेकिन जहां पर पुलिस ने रोका है लोगों को, वहाँ की घटना नहीं है, घटना का स्पॉट दूसरे जगह बताई जा रही है। तो ये तो जांच का विषय है, जांच में फलाफल आएगा तब पता चलेगा। पुलिस के द्वारा विधायक और सांसदों को भी पीटा गया है, लाठी चार्ज की घटना के विरोध में राज्यपाल राजद के कहने पर जो है ये बदला ली है सरकार ने, ये चीजें हुई है। देखिए, ये सरकार बिहार की जो सरकार है, कानून का राज स्थापित है। अगर कानून को श्रवण कुमार जेडीयू के नेता कोई भी अगर तोड़ेंगे तो उन पर भी वही कार्रवाई होगी, जो विपक्ष के लोग अगर कानून तोड़ेंगे तो उनके विरुद्ध भी वही कार्रवाई होगी। ये सदन में जो आचरण का सवाल आपने उठाया, जो सदन में जो आचरण है विपक्ष का, तो क्या सत्ता पक्ष अध्यक्ष से ये मांग करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो? देखिए, सदन में लगातार हमारे जो बिहार विधानसभा के स्पीकर साहब हैं, लगातार रूलिंग दे रहे हैं, लगातार सचेत कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों को सिर्फ सचेत नहीं करते हैं, जो सदन में सदस्य हैं सबको सचेत करते हैं कि नियम से चलिए, नियमावली से चलिए, आचरण और व्यवहार ठीक रखिए, इस तरह का निर्देश देते हैं। और जिन लोगों का आचरण और व्यवहार सदन में ठीक नहीं रहता है उसके बारे में टिप्पणी भी करते हैं, और उन्होंने कहा है कि वीडियो फुटेज देख कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अरे भाई, अगर कानून को आप तोड़िएगा तो आप क्या फूल बरसेगा? अगर हम अभी कानून को तोड़े तो फूल बरसने लगेगा। कानून को तोड़ने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होती ही है। अब कार्रवाई किस प्रकार की हुई है तो वो तो आप सबको भी मालूम है, हम लोग को भी मालूम है। अगर पुलिस पर पत्थर फेंकिएगा, पुलिस के आँख में बुकनी झोंकिएगा, मरचाई की गुंडी फेंकिएगा, तो कार्रवाई तो होगी। जब आप कानून को हाथ में लीजिएगा तो आपको कानून के हिसाब से कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए। न संसदीय परंपराओं के अनुकूल है और न बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली के अनुकूल है। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये है हंगामा खड़ा करना और सत्ता पक्ष को बदनाम करना, और राज्य की जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम राज्य की जनता के लिए चिंतित हैं, उनके लिए हम लड़ रहे हैं, उनके समस्या का हल चाहते हैं। ये संसदीय प्रणाली और संसदीय व्यवस्था में जिनको संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं रहता है वही लोग इस तरह का कृत्य करते हैं। सदन में तो प्रश्न उठाने के लिए इनको भेजा है, विपक्ष में बैठाया है, तो सदन में विपक्ष के भूमिका में भी नहीं है। सदन के अंदर जाते हैं और काला झंडा लहराने लगते हैं, सदन के अंदर जाते हैं मेज पर चढ़ जाते हैं, सदन के अंदर जाते हैं कुर्सियां तोड़ने लगते हैं। तो इस तरह के आचरण और व्यवहार से पूरी देश की जनता देख रही है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद हंगामा खड़ा करना, राज्य की जनता के सवाल से कोई वास्ता, कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है।